गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। अभी तो सुबह के 9:30 बज गए हैं और मैं जस्ट उठी, मतलब मैं और आरुषि का पापा हम दोनों जस्ट ही उठे हैं, बिकॉज के आज इनका ऑफिस नहीं है, थोड़ा लीव में है और मेरा भी कुछ काम नहीं है। सुबह उठ गए फटाफट से, थोड़ा चाय बनानी है, चाय पीनी है हम दोनों को। सब सोच नहीं सकते, आज किचन में लगभग मतलब मिनिमम बर्तन है, बिकॉज कल हम मतलब कल रात को बिरयानी बनाए थे, वो बहुत सारे हैं, दोपहर को होगा, शायद रात को भी हो सकता है। मतलब अगर नहीं बनाए होते ना तो मतलब सुबह के लिए एक से दो बर्तन है, मतलब कोई कढ़ाई नहीं, कुछ भी नहीं है सामान, मतलब जितने सामान हो वो सारे बेसिन में चले गए हैं। बिकॉज कल एंड टाइम में पता चला कि आंटी नहीं आएंगे, और जब पता चला तब तो आरुषि उठ गई और कुछ भी मतलब एक भी, वो उठने के बाद थोड़ा सा भी काम नहीं कर पाए, और संडे फिलहाल ये भी घर पे रहे तो मुझे ना उतना काम करने का मन ही नहीं रहता है। सोच के सारा मतलब हर मंडे टू सैटरडे तो चलता ही रहता है, बस एक ही दिन संडे है और उस दिन थोड़ा एक साथ टाइम स्पेंड करनी है, इसीलिए कुछ भी नहीं। और इतना कल ठंडी थी ना, मतलब इतना फॉग आ रही थी कि हम तीनों बेडरूम में पूरा डोर बंद करके ब्लैंकेट के अंदर घुसे हुए थे चुपचाप से। तो मतलब अभी आंटी आएगी, नीचे आंटी आएगी फिफ्थ फ्लोर पे, हमने कंफर्म कर लिया हाँ आंटी आ गई, तो चलो मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ, आरुषि के लिए जल्दी से जल्दी खाना बनाऊंगी। आरुषि के टिफिन के लिए बाउल ले लिया, आज से उसको मूढ़ी और दूध पिलाएंगे, वो मूढ़ी दूध बहुत उसका फेवरेट है। पहले प्रेशर कुकर पे खिचड़ी चल रही है, आंटी चली आई है, अभी आ रही है ना आंटी को। सामान बर्तन भी दिखाइए कितना हो गया। एनिवर्सरी में कुछ नहीं लेंगे कपड़ा वगैरह, क्योंकि गोलाघाट में जस्ट नए आए हैं और कुछ कुछ सामान लेना था, जैसे क्या बोलते बैठने के लिए, पहले तो दीवान था रामागुंडम में, फिर उसको उधर ही छोड़ के आ गई, तो वही बैठने वाला सीटिंग एरिया में कुछ डेकोरेशन करने के लिए, बैल्कनी में कुछ डेकोरेशन करने के लिए मुझे कुछ कुछ सामान चाहिए था, तो इस बार सोचा कि एनिवर्सरी में वही लेंगे। तो इनको भी मैंने बोला के एनिवर्सरी में कुछ सामान ही लेंगे, तो फिलहाल एक चीज बुक भी हमने किया, तो उसको आते आते 22 दिसंबर हो जाएगी, वो सामान तो हम सभी यूज करेंगे, बट तो भी उसको मुझे कुछ देने के लिए मन कर रही थी, क्योंकि दशहरा में भी मैंने उतना ठीक से कुछ नहीं दे पाई, तो विशाल से मैंने ये वाला शर्ट उसके लिए परचेज किया, क्योंकि स्ट्रेप पे जो शर्ट आती है ना ये मुझे बहुत पसंद है, मतलब किसी के कोई पहन के जा रही है या ऑनलाइन में भी देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, तो इस दिन मिल गया ये। कल ना दोपहर को देखा कुछ स्प्रिंग जैसा आ रही है, अभी मेरे फोन के पीछे वो मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, एक्चुअली मेरा फोन का कोई स्टैंड नहीं था, ये तो हाथ में ही लेके किसी के ऊपर रख के करना पड़ता था ब्लॉगिंग, तो बहुत दिन से सोच रहे थे कि लेना है, तो छोटा सा मुझे वो स्टैंड, फोन का जो स्टैंड होता है कैमरा वाला स्टैंड होता है वो लेके दिया। और बहुत दिन पहले आरुषि के लिए एक कपड़ा मैंने ऑनलाइन पे ही देखा, ठीक ठाक है डेली वेयर के लिए, है ना, रात को 12 बजे तक इधर उधर घूमती रहती है, लगभग वो 11:30-12 तक बेड पे आ जाती है, आरुषि के पास आके बैठते, आरुषि को देखती है मोबाइल देखती है, मैं किचन का पूरा काम, घर का कुछ गंदा होगा तो वो साफ करके मैं आती हूँ सोने के लिए। कल 12 बज के मैं क्या हो रही है, मैं आ गया 11:45 तक मैं बेड पे आ गई और ये नहीं आ रही थी, तो मुझे लगा क्या कर रही है, मैं बार बार बुला रही थी कि आ जाओ रात हो गई सो जाओ, क्यों इतना घूम रही हो बाहर, ये बाहर बेड पे चेयर पे इधर बैठ बैठ के क्यों मोबाइल देख रही हूँ, बेड पे आके मोबाइल देखो ना हम बात भी कर लेंगे। यहाँ देखिए अचानक से ना 12:15 हुआ जब, तब एक पैकेट लेके आई और यो पैकेट में था ये वाला साड़ी, मैंने ना मतलब इतना शॉक भी हो गई खुश भी हो गई कि मतलब बहुत
इतना खुश हो गई ना ये साड़ी देख के, मुझे मतलब मैं उधर ही चीखने लगी कि मुझे बहुत पसंद आ गई। देर बज गई है, अभी ज्यादा बातें नहीं कर पाऊंगी क्योंकि अभी हम लोगों को जाना है एक जगह घूमने, आरुषि को खिलाना है, हम दोनों का खाना अभी बाकी है, स्नान भी बाकी है। तो अब तक के लिए टाटा, रेडी होके फिर बात करती हूँ। गाइस फाइनली रेडी हो गई। हाँ सब जगह शुद्ध ओटांगार गाच भर्ती, ओई जे एक ओटांगार गाच, फिर ओटांगा मतलब बंगाली में चालता बोलती है। इस जगह का नाम है जोगीवारी, तो इधर ही आने का प्लानिंग था क्योंकि स्कूटी लेके सोच रही थी कि रास्ते का वीडियो करूं, पर स्कूटी में है आरुषि सो गए और आरुषि को पकड़ के आना थोड़ा मुश्किल हो रही थी, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई। गाइस इधर का जो नज़रिया मतलब इस इधर देखने का जो खासियत है ना, ये साइबेरिया से वैराइटीज टाइप का कुछ बर्ड्स इधर आते हैं, बस साइबेरिया नहीं और बाहर का और सारे देशों का भी बर्ड्स आते हैं, तो के लिए जगह फेमस है। छोटा सा एक पार्क टाइप किया हुआ है बच्चे झूला झूलने के लिए खेलने के लिए। फिलहाल तो आरुषि सो रही है, ये कैसे क्या करेगी, सोने देना ये भी बेटर है। थर्टी हो गई और अंधेरा भी थोड़ा होने लगी है, तो आरुषि तो गई है खेल भी रही है, हम लोगों को घर जाने का है। ये लास्ट वाला राइडिंग जो है एकदम फ्रंट में है, मतलब अब जब भी इधर एंट्री करोगी तो यही वाला राइडिंग फर्स्ट मिलेगी, इस पर आ गई है आरुषि, इसका पापा खिला रही।
देखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा पापीज़ डायरी पे। आज के लिए गुड नाइट।